हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, हरियाणा के राउंड 2 की रिजल्ट डिक्लेयर हो गई है और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशंस में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप किया है पिछले राउंड के कंपैरिजन में। गवर्नमेंट की राउंड 1 से राउंड 2 में अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम 8 से 15 मार्क्स का डिफरेंस देखने के लिए मिला है ओपन कैटेगरी की सीट्स के ऊपर में। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अंडर मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करें तो 178 मार्क्स का बहुत ही बड़ा गैप देखने के लिए मिला है। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं इस साल की राउंड 2 की रिजल्ट को, तो पिछले साल 2020 में राउंड 2 की जो कट ऑफ थी गवर्नमेंट की वो थी 600 मार्क्स। इस साल ये कट ऑफ रही है 607। तो राउंड 1 से ये कट ऑफ ड्रॉप तो जरूर की है, बट पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ राउंड 2 की हायर साइड पे रही है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गवर्नमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिशन हाई है। बॉन्ड अप्लाई होने के बावजूद यहाँ की कट ऑफ बहुत हायर साइड पर रही है। कई ऐसे बच्चे थे जिनको लगा था कि सर्विस जो ऑफर करना है उस कंडीशंस में बच्चे 7 ईयर्स का सर्विस ऑफर नहीं कर पाएंगे, और उसके बदले में जो बॉन्ड कंडीशंस में जो अमाउंट पेएबल है वो अमाउंट उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा पे करना। बट फिर भी बच्चों ने इसे ऑप्ट किया है। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे यही है कि बच्चे अपने होम डोमिसाइल कंडीशंस में पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर बोलूँ तो बहुत ही अच्छा ये राउंड था, यानी कि एक जैकपॉट राउंड बोल सकता हूँ, जहाँ पे कट ऑफ 200 मार्क्स से भी नीचे चली गई। तो जिन बच्चों ने इस राउंड में हरियाणा में फॉर्म फिलिंग किया था जहाँ पे उनको लोअर स्कोर पे कोई भी सीट्स यहाँ पे एलोकेट नहीं हुई थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार या फिर और भी नेबरिंग स्टेट में, तो वैसे कंडीशंस में थोड़ी फीस यहाँ पे हायर साइड पे जरूर है, बट फिर भी बच्चों को ऑप्शन तो जरूर मिला है। इस साल जो नॉर्मल ट्रेंड है, बच्चे अपने बजट से बढ़ करके सीट्स ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारा रीजन्स भी है, जैसे कि अगले साल का एक प्रेशर है कि किस तरह की सिचुएशन होगी, एनएमसी की 50% का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसके आने के बाद में किस तरह का सिचुएशन होगा, इन सब चीज़ों को बच्चे देख करके सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अगर इस साल हम सेटल हो जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा कॉल होगा। साथ ही में इनमें से कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अगले साल की सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि एनएमसी के इस रूल के साथ में उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो बच्चे ड्रॉप भी करना पसंद कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट की क्या कट ऑफ रही है कॉलेज वाइज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में क्या कट ऑफ रही है, रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटीज होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं मॉप अप राउंड में किस तरह का कट ऑफ हो सकता है। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट कोटा यानी कि जिस पे नॉन डोमिसाइल बच्चों को सीट मिलती है उनके लिए क्या कट ऑफ रहा है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ें तो प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे अच्छी फीडबैक इस कॉलेज की है। इसकी कट ऑफ रही है 280 मार्क्स, पिछले राउंड के कंपेरिजन में 85 मार्क्स का डिफरेंस आया है। आदेश मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रही है 295, 176 मार्क्स का डिफरेंस आया है। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत की कट ऑफ रही है 237, 178 मार्क्स का डिफरेंस आया है। अल्फला मेडिकल कॉलेज जो कि फरीदाबाद में, यहाँ पे 212 मार्क्स पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, 176 मार्क्स का डिफरेंस आया है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की आखिरी सीट अलॉट हुई है 190, यानी कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ 190 पे वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की। अब इन सारे कॉलेजेस की अगर आप स्टैट्स में आपको बताऊं तो पिछले साल के कंपैरिजन में एसजीटी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ बढ़ गई, यानी कि एसजीटी मेडिकल कॉलेज की डिमांड बढ़ी है, बच्चे हायर फीस पे सीट्स लेने के लिए बिल्कुल प्रेफर कर रहे हैं अगर कॉलेज उनको अच्छे लोकेशंस पे और अच्छा कैंपस, एक अच्छा माहौल और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिल रहा है तो बच्चे फीस ज़्यादा भी देने के लिए तैयार हैं। बाकी कॉलेजेस में कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप की है। राउंड 2 अगर पिछले साल हम देखें तो वहाँ पे कंपैरिजन अगर करें तो इनकी कट ऑफ पिछले साल इससे ज़्यादा थी, यहाँ पे ये ड्रॉप कर गई है। स्टेट कोटा में किस तरह से कट ऑफ रहा है अब ये देखते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कैटेगरी की सीट्स जो अलॉट हुई हैं उनका मैंने यहाँ पे कट ऑफ मेंशन किया है, अदर कैटेगरीज की सीट्स का डिटेल हम यहाँ पे डाल नहीं पाए हैं। अगर आप में से किसी बच्चों को उन कैटेगरीज की सीट्स पे कट ऑफ जाना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ रही है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ में भी अगर देखूँ तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ इससे कम है। 617 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, 8 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले राउंड से। एसजीटी मेडिकल कॉलेज 334 मार्क्स पे क्लोज हुई है, पिछले राउंड के कंपैरिजन में 71 मार्क्स का डिफरेंस आया है। आदेश मेडिकल कॉलेज में अनएक्सपेक्टेडली 534 का कट ऑफ था पिछले राउंड में, जो कि बहुत ही हायर साइड पे था।
बच्चों को रियलाइज हुआ होगा रिपोर्टिंग के टाइम पे कि इस स्कोर पे बहुत अच्छे ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल हैं, इस वजह से उन्होंने सीट को छोड़ा होगा। 345 मार्क्स का रहा है यहाँ पे कट ऑफ, राउंड टू में 189 मार्क्स का गैप है। एनसी मेडिकल कॉलेज 243 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, 232 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस आया है। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज 197, यानी कि स्टेट कोटा में भी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज की सबसे लोएस्ट कट ऑफ रही है, 204 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले राउंड के कंपैरिजन में। अल्फाला मेडिकल कॉलेज में किसी तरह की भी कोई भी स्टेट कोटा सीट रिजर्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ मैंने मेंशन नहीं किया है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन कैटेगरी में सीट्स में क्या कट ऑफ रही है ये देखते हैं। पंडित बी डी शर्मा एज यूजल, इसकी कट ऑफ हायर साइड पे एक्सपेक्टेड ही रहती है, 624 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, 15 मार्क्स का डिफरेंस आया है राउंड वन से राउंड टू में। ESIC फरीदाबाद में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, 633 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, 12 मार्क्स का डिफरेंस है। सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये है कि इस कॉलेज में किसी तरह का कोई भी बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं है। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि करनाल में है, यहाँ पे 616 मार्क्स पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, 12 मार्क्स का डिफरेंस आया है। BPS मेडिकल कॉलेज जो कि सोनीपत में है, ये 607 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, 12 मार्क्स का डिफरेंस आया है राउंड वन से राउंड टू में। सईद हसन खान मेडिकल कॉलेज जो कि मेवात में है, यहाँ पे 609 मार्क्स पे ये सीट क्लोज हुई है, 8 मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो पूरी सीट में अगर बोलूँ तो BPS मेडिकल कॉलेज जो कि सोनीपत में है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है 607 मार्क्स का। अब रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है, अलॉटमेंट हो जाने के बाद में आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको हाफ ऑफ द फीस अमाउंट पे करना पड़ता है, जो कि ऑनलाइन मोड पे भी आप पे कर सकते हैं। साथ ही में आप चालान डाउनलोड करके अपने बैंक में जाकर के इस अमाउंट को रिमिट करके आप उस चालान के साथ में अलॉटमेंट लेटर, जो कि एलोकेशन लेटर भी कह सकते हैं, उसे आपको डाउनलोड करना है, और साथ ही में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको रिपोर्ट करना है कहाँ पे, पंडित बी डी शर्मा यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है वहाँ पे आप रिपोर्ट करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक शेड्यूल अनाउंस किया जाएगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं प्लान। बीडी शर्मा में सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद में रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको कॉलेज को रिपोर्ट करना है, जो कि आपका फाइनल स्टेज होगा। इन सारे प्रोसेस के लिए आपको 2 दिन का वक्त जरूर रखना चाहिए, ताकि आप हैसल फ्री होकर के इन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको लेकर के जाना है, जिनमें एप्लीकेशन प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर, ओरिजिनल कॉपी ऑफ चालान, नीट एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड, 10th एंड 12th मार्कशीट, 12th स्टडी सर्टिफिकेट के साथ में TC और SLC, एनी आइडेंटिटी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट इशूड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाइएगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स अगर आप लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए, एक्स्ट्रा रखेंगे तो इससे कोई हानि नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो लेके जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट कोटा की सीट्स ऑप्ट किए हैं तो आपको लेकर के जाना मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट की 2 सेट्स जरूर रखिएगा, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो लास्ट मोमेंट में। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह का कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की सीट्स पे इस बार आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं मॉप अप राउंड में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू में ऑलरेडी काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मॉप अप राउंड उनका स्टार्ट होने वाला है, और जिस हिसाब से कट ऑफ हरियाणा की गई है 607 मार्क्स, इस मार्क्स पे ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बच्चों को मिल सकता था, बट अब बच्चों के पास में ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है कि अगर वो सीट यहाँ पे सरेंडर करते हैं राउंड टू में तो उनके पास में गवर्नमेंट में फिर से सीट लेने का बहुत ही बड़ा रिस्की ऑप्शन होगा ऑल इंडिया कोटा में मॉप अप में। ऑल दो सीट्स आएंगी मॉप अप में, कट ऑफ ड्रॉप होंगी, बट फिर भी अगर इन बच्चों को लेना ही होता तो ये राउंड टू में सीट्स लेते, तो आप बहुत कम उम्मीद करिएगा, ज़्यादा सीट्स यहाँ पे राउंड टू के बाद में मॉप अप राउंड में आने वाली नहीं है। तो कट ऑफ में मार्जिनल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अगर कुछ सीट्स आती हैं तो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ ड्रॉप करेंगी फर्दर, क्योंकि बच्चे इस राउंड में मल्टीपल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, कई जगह पे उन्होंने फॉर्म फिलिंग किया होगा, और एक से ज़्यादा स्टेट में जब अलॉटमेंट आता है तो उसके बाद में आप किसी एक ही जगह पे सीट्स ले सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में हमने पहले भी देखा है हरियाणा के ट्रेंड को कि सीट्स मॉप अप राउंड में एक अप्रॉक्सीमेटली 15-20% सीट्स जरूर आ जाती हैं, जहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप कर जाता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज बैकअप ले करके चलिए, कि अगर ये प्लान मेरा फेल होता है तो दूसरा प्लान मेरा जो हो वो एग्जीक्यूट हो और वो हमारे लिए हमारे फेवर में हो।
उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप हमारी पेड काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं तो हमारे इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर 7678676001 पे कॉन्टैक्ट करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। से हेलो टू GMU, द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एडमिशन नीड्स। We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.